हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1964 टू 1975, यानी 1964 से लेकर 1975 तक। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में बात की है। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जो ड्रॉबैक थी, यानी जो कमियां थी, उनको इम्प्रूवमेंट किया गया थर्ड जनरेशन में। तो हम ये देखते हैं कि थर्ड जनरेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर्स वर इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी हमारी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? आईसी का। और आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे पहले हम लोगों ने देखा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में किसका उपयोग किया गया? यहां पर आईसी का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी जो आईसी है, इस आईसी को इन्वेंट किया यानी आविष्कार किया, एक तो किसने? जैक किल्बी ने, और एक किसने किया? रॉबर्ट नॉइस ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स वर द मैग्नेटिक डिस्क और टैक, नहीं है ये टेप है, बाय मिस्टेक हो गया, एंड ए लार्ज मैग्नेटिक कोर। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था यहां पर मैग्नेटिक टेप और यहां पर है मैग्नेटिक डिस्क। ये मेमोरी के नाम है। अब टेप में और डिस्क में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग जब मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो थर्ड जनरेशन में डेटा को या सूचना को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया? मैग्नेटिक डिस्क का और लार्ज मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज सच एज पास्कल। यानी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है पास्कल, उस पास्कल जो लैंग्वेज का उपयोग है वो थर्ड जनरेशन में किया गया। सेकंड जनरेशन में जैसे बेसिक कोबोल का उपयोग किया गया, लेकिन थर्ड में किसका उपयोग किया गया? पास्कल का उपयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द साइज वर स्मॉलर एंड एफिशियंट। यानी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी साइज काफी बड़ी थी, लेकिन थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर की साइज क्या हो गई? थोड़ी छोटी हो गई। और क्या हो गई? वो एफिशिएंट हो गई, यानी सुविधाजनक हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर वाज एन इंप्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय। देखिए, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर जब किसी भी प्रकार का रिजल्ट देते थे, यानी आउटपुट देते थे, तो वो आउटपुट एक्यूरेट यानी शुद्ध है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो जब किसी भी प्रकार का आउटपुट देते थे तो वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होता था। इस कारण यहां पर इनको क्या बोला गया? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को रिलायबल यानी विश्वसनीय बोला गया। आगे देखिए, एंड स्पीड एज कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड भी काफी इंप्रूव हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वर कीबोर्ड्स मॉनिटर प्रिंटर। यानी थर्ड जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे इनमें इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर वगैरह आ गए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए। इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को काफी ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आईबीएम 370, आईबीएम 360, आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आगे है आईसीएल 1900, वीएक्स 750, हनीवेल 6000 सीरीज। तो ये हमारे सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के हैं। यहां पर जितने भी पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं वो सारे के सारे थर्ड जनरेशन से रिलेटेड हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। यदि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं
या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।